हाय, कैसे हो तुम सब। आज की वीडियो में मैं तुम्हें अपने जीवन की घटना के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। पहले, मेरा नाम है एंजेला वाइट, मैं हूँ वाइट, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी वांट टू फक मी राइट। मुझे पता है मैं कैसे दिखता हूँ और मेरे लेंट का कलर कैसा है। 2 साल पहले मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बना दिया था। शुरुआत से शुरू करते हैं। हु क्रिएटेड एम ई, ये तो सबको पता है कि हमें बनाने वाले गॉड नहीं बल्कि हमारे पेरेंट्स ही हैं। ये बात है उस दिन की जब तुम्हारे पप्पू और माई एक दिन और नहीं तो शायद एक रात में वो दोनों इतने करीब आ गए थे कि वो पप्पू का लंड इतना गर्म हो गया था कि तुम्हारी माई उस लंड को देखते ही पिघल गई, जिसका रिजल्ट तुम आज के टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हो। अब ये सारी बातें तो सबको पता है, मगर कोई भी इन टॉपिक्स पे बात नहीं करता या फिर करना नहीं चाहता। तो क्या इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि कहीं से कुछ पैसे ही कमा लूँ। और क्या चाहिए होता है लाइफ में जीने के लिए? अगर हम शेटी एरिया में रह रहे हैं तो हमें वो तो करना ही पड़ता है। देखो, ये कह भी कौन रहा है जो खुद घर पे बैठा रहता है और दिन भर सेक्स के बारे में सोच के। अरे भोसड़ी गई है, बड़े इतनी बार क्यों है स्क्रिप्ट में। चलो मेन पॉइंट पे आते हैं। इनके मेन पॉइंट पे नहीं, हमारे पेरेंट्स के। क्या लगता है कब तक इस चैनल पे 100+ व्यूज आएंगे? इस वीडियो की बात तो होनी चाहिए। ओके, तो मैंने इस वीडियो का जो स्क्रिप्ट है बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में मैं अपना अपॉइंटमेंट देना चाहूँगा, सॉरी ओपिनियन। तो ज़्यादातर पेरेंट्स के जो अरेंज, वही, एक मिनट वापस वापस बोलूँगा। तो ज़्यादातर पेरेंट्स के यहाँ पे अरेंज मैरिज ही हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि वो 90s के हैं, जिस वजह से उनके बीच का जो प्यार है वो शादी के बाद, नहीं तो शादी के बाद उस रात को जब सेक्स करते हैं, वो जिस उस वजह से दोनों के बीच में प्यार शुरू होने लगता है। और अगर तभी भी नहीं होता हो तो 9 महीने बाद, तो बच्चे के बाद हो जाता है। और एक और लाइन ये कि प्रेगनेंसी के बाद भी हो सकता है, प्रेगनेंसी, ठीक है।